जन्माष्टमी को लेकर गोड्डा में तैयारियां पूरी। लोग पहुंच रहे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने। आज रात 12 बजे जन्म लेंगे कन्हैया, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग मंदिरों में पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चों की कान्हा के रूप में कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। आज विधायक प्रदीप यादव देवडाण में नारी विकास संकुल स्तरीय संघ महिला मंडल के नए कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यालय का उद्घाटन विधायक ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। अपने अभिभाषण में विधायक प्रदीप यादव ने महिला मंडल के कार्यों की सराहना की, साथ ही महिला मंडल समूहों के कार्यों को महिला सशक्तिकरण का एक अहम हिस्सा बताया, जो प्रत्यक्ष रूप से गाँव के विकास में अपना अहम रोल निभा रही है। प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि पहला प्रखंड कोई बनेगा मेरे कार्यकाल में तो देवडाण को हम पहला बनाएंगे। तो ये एक मेरा प्रयास चल रहा है कि धीरे धीरे इस क्षेत्र को हम विकास के रास्ते में आगे बढ़ाए। अभी पंकज जी लोग एक प्रतिनिधि मंडल हमसे मिले थे कि भाई हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का घेराबंदी होना चाहिए। हमने उसे भी लिख के दिया है कि हाई स्कूल का भी घेराबंदी होगा, मिडिल स्कूल का भी होगा। अभी आपके अस्पताल जाने में कच्ची सड़क है, उसका भी टेंडर हमने कराया कि ताकि अस्पताल तक सड़क जा सके, अस्पताल और व्यवस्थित हो सके। इन तमाम चीजों के लिए हम प्रयासरत हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए। आपके लिए भी बस इतना ही आग्रह होगा कि आप सब को भी जो जरूरत हो मेरे संज्ञान में दीजिए, मेरे नॉलेज में दीजिए और बेहतर काम कीजिए। हम आपके सहयोग के लिए है। इन्हीं चंद बातों के साथ फिर से एक बार आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और इस उद्घाटन की बधाई देते हुए नमस्कार जोहार। प्रदीप भैया जिंदाबाद, प्रदीप भैया जिंदाबाद, प्रदीप भैया जिंदाबाद, प्रदीप भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आपका शहर बनने जा रहा है भीखाराम चांदमल के लजीज स्वाद का गवाह। एक बार फिर शानदार भीखाराम चांदमल एवं बांके बिहारी भोजनालय खुल गया है आपके गुड्डा में। मीठा खाना हो या नमकीन, एक बार जरूर आना है भीखाराम के आतिथ्य में। शुद्ध घी का स्वाद लजीज जायकेदार सिर्फ भीखाराम के द्वार। शुद्ध घी में तले भुजियों का करारा अंदाज हो या शुद्ध घी से सना लाजवाब सोन पापड़ी का स्वाद, भीखाराम चांदमल का स्वाद जरूर आएगा पसंद। अगर हो आप खाने के शौकीन तो बिना देर के आए भीखाराम भोजनालय में। आज विधायक प्रदीप यादव पुड़ियाहाट प्रखंड ग्राम के सियाल कटिया गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन में पहुंचे। विधायक ने फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन के बाद सभी खिलाड़ियों से परिचय लिया। विधायक ने अपने भाषण में प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के बड़े टूर्नामेंट का आयोजन करने वाले आयोजक मंडली की सराहना के साथ ही अगले वर्ष तक सियाल कटिया मैदान में एक स्टेज बनाने की घोषणा की। साथ ही युवाओं को खेल में आगे आने को लेकर उन्हें संथाल परगना क्षेत्र में फुटबॉल के क्रेज को देखते हुए इस ओर बढ़ावा मिले, इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल नीति बन रही है, इसमें संथाल परगना क्षेत्र में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देते हुए हेतु विशेष सुविधा दी जाए तो हमारे खिलाड़ी देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर तिरंगा का नाम रोशन करेंगे। प्रखंड बने ताकि प्रशासन आपके घर के नजदीक आए तो और विकास के रास्ते खुलेंगे। अभी हेमंत जी से हमने बात की है, मुख्यमंत्री से, उन्होंने कहा है कि इस राज्य में पहला कोई प्रखंड बनेगा तो देवडाण बनेगा ताकि इस क्षेत्र का विकास होगा। हम प्रयास करते हैं। अभी यहाँ के नौजवानों ने मेरे सामने इस फील्ड के बारे में रखा था, थोड़ा समय कम है लेकिन मैं आपको दावा देता हूँ कि आपके दीपावली के पहले फील्ड का काम होगा। मैंने पूरी बातचीत करके रखी है, आपको बेहतर फील्ड मिलेगा और अगले साल जब आप मैच कराइएगा केवल फील्ड ही नहीं आपके बैठने के लिए भी आपको पक्का मकान ये बनाने की आपको जरूरत रहेगी। इतना मैं आपको वादा करके जाता हूँ, आपको ये करने का प्रयास करूंगा ताकि आपके टूर्नामेंट में और चार चांद रख सके। आपने देखा होगा कि लोग काठीवाड़ी में करते, हमने वहां एक बेहतरीन बिल्डिंग बनवाया ताकि वहां से आयोजक मंडली को यह जो बाहरी खर्चा है उससे बचता है और टूर्नामेंट प्रत्येक साल होता है।